हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग टेंस के अगले पार्ट को पढ़ेंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स की फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं हो इससे संबंधित, और आप आसानी से इस भाषा को समझ सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश समझने के लिए टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो टेंस when you go to study English or learn English, that's why it is very important chapter। इसलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं where is future perfect used। सबसे पहला क्वेश्चन है कि future perfect use कहाँ किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है इसका use कहाँ किया जाता है, ये होता क्या है और इसका use कहाँ किया जाता है। देखिए यहाँ दिया हुआ कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल अकर इन फ्यूचर, यानी कि यह उस एक्शन को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है जो फ्यूचर में क्या होगा, घटित होगा। एंड इज थॉट टू बी कम्प्लीटेड इन फ्यूचर, और ऐसा माना भी जाता है कि यह फ्यूचर में कम्प्लीट भी हो जाएगा, जो भी एक्शन फ्यूचर में घटित होगा वो कम्प्लीट भी हो जाएगा। इट इज ऑफन यूज विद टाइम एक्सप्रेशन, इसका यूज कैसे किया जाता है तो टाइम एक्सप्रेशन के साथ किया जाता है। टाइम दिया गया होता है या फिर वो इम्प्लिसिट होता है या एक्सप्लिसिट होता है, मतलब स्पष्ट दिखाई दे सकता है टाइम, टाइम दिया हुआ है, या फिर वो इम्प्लाइड भी होता है। बिगिनिंग विथ बाय, जो शुरू होता है बाय से, बाय देन से, बाय दैट टाइम से, बाय मिडनाइट से, या बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऐसे एटसेट्रा, इन सारे शब्दों से शुरू होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं कि आई विल हैव रिच दिल्ली बाय मिडनाइट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ टाइम एक्सप्रेशन बाय मिडनाइट, तो कह रहा है कि आई विल हैव रिच दिल्ली बाय मिडनाइट, मतलब कि मैं कब तक दिल्ली पहुँच चुका हूँगा, तो मिडनाइट तक, यानी कि फ्यूचर में एक कोई काम जो है कम्प्लीट हो चुका होगा एक खास समय पर, ठीक है। तो इसे दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि इट शोज अ सेंस ऑफ कम्प्लीशन, क्या दिखाता है, तो ये जो वर्ब है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वर्ब है, क्या दिखाता है, कम्प्लीशन दिखाता है ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन का। एक्शन क्या है, रीच, पहुंचना, तो इस पहुंचने की कम्प्लीटनेस को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ये पहुंचना जो है कम्प्लीट हो जाएगा कब, विच विल अकर इन फ्यूचर, मतलब कब, तो फ्यूचर का टाइम जो दिया हुआ है बाई मिड नाइट, यानी कि इस मिड नाइट तक ये जो है काम वो कम्प्लीट हो जाएगा फ्यूचर में। तो ऐसे काम, ऐसे सेंस अगर कोई वर्ब दे रहा है या ऐसा सेंस देने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। तो रूल्स यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसका रूल्स क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब होता है जो विल हैव है, या हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, और उसके बाद से हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, वही थर्ड फॉर्म वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है जो मेन वर्ब का काम करता है सेंटेंस में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, तो देख सकते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वी थ्री ओके प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जो कि यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि सी विल हैव फिनिश द वर्क बाई वेस्टडे, है ना, सी विल हैव विल के बाद हैव तो यहाँ वी थ्री, है ना। फिर देखिए आई विल हैव लेफ्ट फॉर होम बाई द टाइम ही गेट्स अप, यानी यानी कह रहा है कि आई विल हैव लेफ्ट फॉर होम, मैं घर के लिए रवाना हो चुकूंगा कब तक, जब वह उठेगा, मैं गेट अप का मतलब वही होता है उठना। यहाँ पर देखिए यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब, तुम्हें काम शुरू कर चुके होगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है स्ट्रक्चर, तो शैल विल यानी विल है प्लस हैव है प्लस वी थ्री है। आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है विल नॉट हैव प्लस वी थ्री, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट प्लस है प्लस वी थ्री का यूज किया जाता है, उसके बाद से यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं इसका भी एग्जाम्पल, सी विल हैव सॉरी आई विल नॉट हैव कम्प्लीटेड द वर्क बाई द टाइम ही गेट्स अप, यानी कि मैं अपना काम जब तक वो उठेगा तब तक मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुकूंगा। तो यहाँ काम कम्प्लीट नहीं होगा, ये निगेटिव सेंटेंस दिखाने के लिए क्या करते हैं कि विल प्लस है नॉट प्लस है प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। फिर यहाँ देखिए यू विल नॉट हैव स्टार्टेड द वर्क बाई दिस वीकेंड, तो यहाँ भी देख लीजिए विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वी थ्री का यूज किया गया है, मतलब कि निगेटिव के लिए विल प्लस नॉट प्लस है प्लस वी थ्री और पॉजिटिव के लिए विल प्लस है प्लस वी थ्री का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है सेंटेंस का, तो पहले विल हो जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हैव होगा, फिर वी थ्री होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, जो कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि विल प्लस यहाँ पर है विल सी हैव फिनिश्ड द वर्क बाई वेंसडे, विल आई हैव लेफ्ट फॉर होम बाई टाइम ही गेट्स अप। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये तीनों एग्जाम्पल में पहले विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर वी थ्री है
और फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यूजेज को, किसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देख सकते हैं यूजेज को, यहाँ पर यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला यूज है कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि करे कंप्लीटेड एक्शन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कोई काम होने से पहले, कोई काम होने से पहले एक जो दूसरा काम है वो समाप्त हो चुका रहेगा। फ्यूचर में कोई काम, जैसे दो काम हुए हों, होने हो फ्यूचर में दो काम होने हो, तो उसमें जो एक काम के होने से पहले जो दूसरा काम है वो समाप्त हो गया हो या हो जाने की संभावना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये व्यक्त करता है कि जो दूसरा काम है वो पहले काम के पहले समाप्त हो चुकेगा, है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वहीं यहाँ पर रूल दिया गया, देख लीजिए कि द फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट, फ्यूचर परफेक्ट वो विचार को व्यक्त करता है कि समथिंग विल अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि कोई दूसरा काम होने से पहले, है ना, कुछ कोई दूसरा काम होने से पहले एक जो काम है वो समाप्त हो चुका होगा या हो चुका रहेगा। इट कैन ऑल्सो शो दैट समथिंग विल हैपन बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, यानी किसी खास समय पर, यानी किसी खास समय से पहले कोई काम हो चुका रहेगा, ये भी ये दिखाता है किसी खास समय, फ्यूचर में किसी खास समय से पहले कोई काम हो चुका रहेगा। अगर ऐसा कहीं सेंस आता हो कि फ्यूचर में किसी एक काम के पहले दूसरा काम जो है समाप्त हो चुका रहेगा, तो जो काम समाप्त हो चुका रहेगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लर्न इनफ इंग्लिश टू कम्युनिकेट, विल सी हैव लर्न इनफ इंग्लिश टू कम्युनिकेट बिफोर सी मूव्स टू न्यू ईयर, यानी क्या वह न्यूयॉर्क जाने से पहले, ये जो काम होगा इसके पहले, ये जो काम न्यूयॉर्क जाने का जो काम होगा इसके पहले, क्या वह उतनी इंग्लिश सीख लेगी बातचीत करने की जितनी की उसकी जरूरत है। तो यहाँ पर जो है, जो पहला काम जो कंप्लीट होगा उसके लिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे विल प्लस शैल प्लस हैव प्लस वी थ्री, और जो बाद में होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वी फाइव यहाँ पर है। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप कि बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स एट पिनकल, या फिर यहाँ कोई भी हो सकता है, कहीं कोई भी आप इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ रख सकते हैं या कोई भी जगह का यहाँ नाम रख सकते हैं। तो बाय द टाइम, उस समय तक जब मैं इस कोर्स को कंप्लीट करूँगा यहाँ पर, आई विल हैव परफेक्टेड माई इंग्लिश, तो मेरी इंग्लिश क्या हो चुकी रहेगी, परफेक्ट हो चुकी रहेगी। तो परफेक्ट हो चुकी रहेगी, पहला काम हो जाएगा, उसके बाद से यहाँ पर फिनिश होने का काम होगा। जब आप पर आपकी जो भी है, यानी कि जो आप सीखने गए हैं वो परफेक्ट हो जाएगा, तभी वहाँ से आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो काम होगा वो पहले ये होगा, उसके बाद ये काम होगा। तो जो पहले काम होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो बाद में काम होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले जो काम होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो पहले जो बाद में काम होगा उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी देखते हैं नो फ्यूचर इन टाइम क्लजेज, यानी कि टाइम क्लजेज में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता है। जहाँ भी टाइम क्लज है, मतलब जिससे भी, जैसे बाय द टाइम है, या आपको जो भी जैसे बाय नेक्स्ट नवंबर है, या बाय द टाइम है, बाय संडे है, बाय मंडे है, तो ये सब क्या दिखाते हैं, सब टाइम दिखाते हैं। तो टाइम दिखाने वाले क्लजेज में आप कभी भी भूल करके भी किसका यूज ना करें, फ्यूचर टेंस का यूज ना करें, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए बाय द टाइम आई विल फिनिश, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि बाय द टाइम ये टाइम डिनोट कर रहा है, उसके बाद से यहाँ फ्यूचर टेंस का यूज किया गया, इसलिए गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको सिंपल प्रेजेंट में कि बाय द टाइम आई फिनिश, क्या हो जाएगा इसका सही रूप, बाय द टाइम आई फिनिश, यहाँ देख लीजिए है बाय द टाइम आई फिनिश दिस कोर्स, ओके। तो ये आप समझिएगा कि कभी भी टाइम क्लज होगा उसमें फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ भी देख लीजिए, लाइक ऑल फ्यूचर फॉर्म्स द फ्यूचर परफेक्ट कांट बी यूज्ड इन क्लजेज बिगनिंग विद टाइम एक्सप्रेशन, जो टाइम एक्सप्रेशन है उसके साथ अगर कोई क्लज शुरू हुआ है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट यूज नहीं होता है। कोई भी फ्यूचर टेंस जैसे यूज नहीं होता है, उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट भी यूज नहीं होता है अगर क्लजेज निम्नलिखित टाइम एक्सप्रेशन से शुरू हो। तो टाइम एक्सप्रेशन कौन कौन से है, तो वेन है, वाइल है, बिफोर है, आफ्टर है, बाय द टाइम है, एज सून एज है, इफ है, अनलेस है ना। इसकी बजाय हम क्या करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बजाय प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज, यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जो टाइम एक्सप्रेशन हो, इस प्रकार के अगर टाइम एक्सप्रेशन दिए हो तो वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट के साथ दिया हो, अगर फ्यूचर परफेक्ट का कोई सेंटेंस हो उसके बाद से आया हो या उसके पहले आया हो, तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो आप फ्यूचर परफेक्ट में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और काफ़ी आसानी से आप इसे समझे होंगे। और टेंस का लगभग हम लोगों ने एक सेशन जो है वो कंप्लीट किया है, एक बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसे भी हम लोग अगले क्लासेज में देखेंगे।
और